एक आम इंसान की जिंदगी यही होती है कि सुबह सुकून से रोटी खाता है, दोपहर में धक्के खाता है, और शाम होते होते पैसे की किल्लत, या महीना खत्म होते होते पैसे की किल्लत हो जाती है। गलती किसकी है? उस ईश्वर की है जिसे आप कोसते हो कि ईश्वर बड़ा बेरहम है, हमको समान रूप से नहीं देता है। जब हम सबको एक समान रूप से बनाया तो पैसा समान रूप से क्यों नहीं देता है? गलती उस आम इंसान की है जो अपना घर परिवार छोड़ना नहीं चाहता है, जो कहीं दूर दूसरे शहर जाना नहीं चाहता है, कुछ नया सीखना नहीं चाहता है, पुराने चार दोस्त बनाए उसके अलावा कोई नया दोस्त बनाने के लिए वो तैयार नहीं है, कोई नया स्किल, कोई नया माइंडसेट सीखने के लिए तैयार नहीं है। और याद रखना, प्रकृति का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि जब तक आपके पास जो है वो नहीं छोड़ोगे तो वो नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। एक बार और ध्यान से सुन लेना, जब तक आपके पास जो है वो नहीं छोड़ोगे तो वो नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। जिस पुराने घर में आप रह रहे हो, यदि वो घर नहीं छोड़ना चाहते हो ना, तो नया घर आपको नहीं मिल सकता है। जो पुरानी गाड़ी आपके पास है, जब तक वो नहीं बेचोगे या वो आपके पास है, तब तक नई गाड़ी आपके घर में नहीं आ सकती, या आप बाखूबी जानते हो। इस दुनिया में जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, जब शोरूम पे जाते हो ना, आप गाड़ी खरीदने तो पैसे देते हो, उसके बदले कुछ मिलता है। जब आप घर बनाते हो ना, इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा देना पड़ता है। एक हाथ से देते हो, दूसरे हाथ से आपको कुछ मिलता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जब तक आप अपना पुराना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक नया नहीं मिलेगा। प्रकृति का 101% प्रूफेड सिद्धांत है और ये काम करता है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना कि जिस स्थिति को आप मिडिल क्लास कहते हो ना, वो मिडिल क्लास नहीं है। एक सही मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है जानते हो आप? जिस इंसान के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए हो और उसके पास एक SUV गाड़ी हो अपने परिवार को घुमाने के लिए, जो साल में एक दो बार छुट्टी पे कहीं जा सके, वो मिडिल क्लास इंसान होता है। और वो इंसान जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाता हो, मिडिल क्लास का इंसान नहीं है। वो लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी जी रहा है और उससे भी बेकार जिंदगी जी रहा है। वो जानता है कि किस तरह से मैनेज करता है उसके क्रेडिट कार्ड के बिल, या उसका मंथली मैनेजमेंट कैसे होता है, वो खुद जानता है। लेकिन गलती यहां पे उसी की है, बदलना नहीं चाहता वो अपना वो छोड़ना नहीं चाहता जो उसके पास है। फिर नया क्यों मिलेगा उसको? आप खुद बताओ ना। ज्यादा मेहनत आप करना नहीं चाहते तो नया क्यों मिलेगा आपको फिर? दोस्तों बड़ा सरल है। मैं यहां पे इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं बताना चाह रहा कि भाई एक मिडिल क्लास की हालत क्या है। मैं ये बताना चाह रहा कि उस ईश्वर परमात्मा ने आपको अनंत खुशियां देने के लिए भेजा है और बहुत सारी चीजें आपके लिए भेजी। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा होगा तभी जाकर आप खुश रहोगे। लेकिन यदि पैसा आपकी खुशियों के बीच में आता है तो इसको कमा लो। पैसा यदि आपका स्वास्थ्य सही करने के बीच में आता है तो इसको कमा लो, कमा कर रख दो। फिर आपको डिसाइड करना है कि खर्चा करना है या नहीं करना है। फिर आप डिसाइड कर लेना कि मेरे को बहुत सारा करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी संन्यास वाली जिंदगी जीना है, वो चलेगा। लेकिन ये जो डेली रोजमर्रा की किल्लत है ना, इससे बाहर निकल जाओ ताकि आप अपनी जिंदगी खुशियों के साथ जी सको। और जब आप पैसा कमा लोगे, पैसे से परे भी एक जिंदगी है जिसे आप जी सकोगे। लेकिन अभी तो आप 101% सिर्फ इसी में उलझ के रह जाते हो, हर रोज अपनी खुशियां इसलिए मार देते हो कि आपके पास पैसा नहीं है। और वो आपसे दूर भी नहीं है, पैसा बिल्कुल आपसे दूर नहीं है। सिर्फ घर से बाहर निकालो, कदम निकालो घर से बाहर, और वो सब कुछ छोड़ दो जो आपके पास है। वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हो। सबसे पहले वो पुराने माइंडसेट वाले दोस्त छोड़ देना, जो जिनके साथ आप रह रहे हो सदियों से। वो आपको अमीर नहीं बनने दे रहे हैं। वो जगह छोड़ देना जहां चाय पीते हो ना, उस जगह चाय पीना बंद कर देना, नई जगह पे चाय पीना। जिस तरह से बातें करते हो उस तरह से बातें करने बंद कर देना, नई तरीके से बातें करना। वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो। सिर्फ इतना सा माइंडसेट है कि जो आपके पास है वो छोड़ दो, जो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हो। बस इतना सा सिद्धांत है अमीर होने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना फिर जिंदगी भर आप खुद चूज करो कि आपको किस तरह से घुट घुट के जीना है। और हर आम इंसान जी रहा है।